हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रोज व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। आज आपका बॉय 24 ईयर ओल्ड बर्गर के स्टॉल पर जा रहा है। चले चलते हैं और जितना भी माहौल होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, फाइनली व्यूअर्स आपका भाई पहुंच चुका है अपने शहर का जो मेन बस स्टॉप है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सारी बसेस वगैरह यहाँ पर खड़ी हैं और यहाँ पर हिडन एक स्टॉल लगा हुआ है बर्गर का, जो मैंने आपके साथ शेयर करना है। तो चलते हैं बाबा जी के पास और सुनते हैं उनकी ज़बानी कि वो कब से बर्गर वगैरह बेच रहे हैं। और आपके भाई को भी थोड़ी बहुत ट्रेविंग हो रही है ताकि बर्गर वगैरह खाएँगे। देख सकते हैं यहाँ पर बाइक की सर्विस भी दी जा रही है। चले चलते हैं और बर्गर का रिव्यू भी शेयर करेंगे आपके साथ और इंटरव्यू भी लेते हैं बाबा जी से। आ जाएँ, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये जो बाबा जी हैं ये काफ़ी मशहूर हैं और बर्गर वगैरह बेचते रहते हैं। चले सुनते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बाबा जी? आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 24 साल से। और आपने क्या कुछ इस ठेले से कमाया और क्या कुछ बनाया? मैंने मकान दो बनाए। दो मकान बनाए आपने इसी स्टॉल से? यहाँ आप लोग देख सकते हैं गैस, ये देखें, ये छोटा सा एक स्टॉल है और इसी एक छोटे से स्टॉल से बाबा जी ने दो मकान बनाए हैं। और ये देख सकते हैं आप, जब आपने जब ये काम स्टार्ट किया था तो कितने बर्गर आपकी डेली सेल हो जाते थे? उस वक्त 2 बंडल होते थे, अभी 10 बंडल। 10 बंडल होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये अल्लाह ताला की बरकत है और इनसे बर्गर वगैरह भी ऑर्डर करते हैं और ट्राई करते हैं और रिव्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक सादा बर्गर लगा दें। अच्छा, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना तो फिर मैंडेटरी होता है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग आकर यहाँ पर खाते रहते हैं, इनके कस्टमर हैं। और ये देख सकते हैं केचप्स वगैरह, ये सॉसेज जितनी भी इनकी होती हैं बर्गर की, और ये बना रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 10 बंडल आपके डेली सेल हो जाते हैं। ये देख सकते हैं छोटा सा एक ठेला है जिससे बाबा जी ने 10, ये देख सकते हैं छोटा सा ये एक ठेला है गैस जिससे बाबा जी ने 2 मकान बना लिए। देख रहे हैं बिजनेस है, बिजनेस है। ये देख सकते हैं गर्म गर्म हमारे लिए बर्गर बनाए जा रहे हैं तवे के ऊपर। और मेन जो ख़ास चीज़ है ना, यूनिक ये चीज़ है, ये देख सकते हैं ये अंदर पड़ी हुई है, यही मेन चीज़ है। हाँ, ये शेयर नहीं करते हैं। ये देख सकते, मतलब कि पाकिस्तानी आवाम 24 साल पहले से बर्गर खा रही है। और जब आपने ये स्टॉल लगाया था तो उस वक्त यहाँ पर आबादी कितनी हुआ करती थी? बर्गर क्या होता है, ये देख सकते हैं बाबा जी बर्गर बना रहे हैं। मतलब आपने 2 मकान बना लिए छोटे से स्टॉल से हैं। आपकी उम्र कितनी है? अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं आप लोग, आपकी उम्र कितनी है? 80 साल उम्र। अच्छा, 80 साल उम्र में बाबा जी देख सकते हैं 2 मकान के मालिक हो चुके हैं। और बर्गर की प्राइस क्या है? बर्गर की प्राइस क्या है? 90 रुपये। अच्छा, 90 रुपये, ठीक हो गया। ये देख सकते हैं पूरा अटक शहर में हमारा, ये इस तरह बर्गर आपको नहीं मिलेगी। ये देख सकते हैं, और फाइनली हमारा पैसा ना हो उससे लेता भी नहीं है। ये देख सकते हैं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही। ये देख सकते हैं फाइनली व्यूअर्स हमारा बर्गर आ चुका है। चलें इसको फोड़ते हैं और आपकी सारी व्यू भी शेयर करते हैं कि किस तरह गैस टेस्ट करते हैं कि बर्गर इनका किस तरह है। आपका भाई तो पहले ही दीवाना हो चुका है, एक दफा आया था तो ये बर्गर बड़े पसंद है, पहले मैं आता रहता था यहाँ पर। तो ये आप लोग स्टॉल देख सकते हैं 24 साल से स्टॉल अभी तक चल रहे हैं। चले बाइट लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह बर्गर। हालांकि गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी इस गर्मी में आपके भाई बर्गर फोड़ रहे हैं। मतलब मज़े की चीज़ है, तभी तो आपका भाई एंजॉय कर रहा है। ये देख सकते हैं सारी, चले एक और भी लीथल सी बाइट बनाते हैं और आपके साथ रिव्यू शेयर करते हैं। ये देख सकते हैं आपके भाई ने एक अच्छी सी बाइट बना ली है, केचप के अंदर डबोल दिया है। चले ऐसे अभी फोड़ते हैं जल्दी जल्दी से। और यहाँ पर देख सकते हैं पुराने ज़माने का कूलर भी चल रहा है, ये सोलर का है। ये देख सकते हैं ये पंखे की हालत देख सकते हैं। व्यूअर्स पूछते हैं कि बाबा जी ने अपने बर्गर की कमाई से पहला घर कब खरीदा था? बाबा जी बताएं। ये 10 साल पहले खरीदा। 10 साल पहले? और आपने जो दूसरा घर है वो कितने साल के बाद खरीदा था? 5 साल के बाद। 5 साल के बाद कितने पोर्शन है उस घर के? दोनों में एक जिसमें
मैं रह रहा हूँ वो डबल मकान है, अच्छा जो सिंगल है। अच्छा अच्छा, तो मैंने तीन बच्चियों की शादी भी की है। अच्छा अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं एक ही छोटे से ठेले से बाबा जी, ये रेट मेरे लगे हुए हैं, ये प्राइसेस हैं इनकी बर्गर की, आप लोग देख सकते हैं। और ये बिल्कुल जो मेन अड्डा जो है अटक सिटी का, वहाँ पर मौजूद है, किसी से भी पूछ लें तो वो आपको बता देंगे बाबा जी बर्गर बनाने वाले, ये देख सकते हैं। और आपका नाम क्या है वैसे? याकूब। अच्छा, याकूब नाम है, ठीक है ओके। ये बाबा जी हैं 80 साल की उम्र में अभी तक हलाल रिस्क कमा रहे हैं। चलें व्यूअर, आपका भाई अभी इसको पोड़ते हैं और जितना माहौल होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चले चलते हैं घर की तरफ, और खाने पीने का जो सेटअप है कुछ और भी, वो भी आपके साथ शेयर करना है, और हमारे कुछ मेहमान भी आए हुए हैं उनके साथ भी आपके मिलवाना है। चले चलते हैं आ जाओ। तो आ कह रहे कि जल्दी जल्दी से रक्षा मिल जाए और फिर निकलते हैं घर की तरफ। और इस तरफ देख सकते हैं ये VIP किस्म की मंडी के लिए दौन वगैरह भी है, बिल्कुल ख़तरनाक है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम जानवर वगैरह भी खरीदेंगे और जितना भी सौदा वगैरह जो होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। चले अभी निकलते हैं घर की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आज A few moments later. मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरे घर में मेहमान आए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, और इनकी कुछ खातर तवासन करते हैं और कुछ किचन वगैरह में बनाया जा रहा है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, ये देख सकते हैं। ये बिस्किट वगैरह इधर आ गए और इधर गरम गरम चाय बन रही है, जो मेहमान वगैरह जो होंगे वो फोड़ेंगे। और इस तरफ कुछ VIP किस्म का सेटअप भी है, ये समोसे आ गए और साथ यहाँ पर रोल भी हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये देख सकते हैं, ये भी फोड़ेंगे, इनके मज़े हैं मोजे। चलो ये देख सकते हैं बच्चा पार्टी चुप चुप कर खा रहे हैं, जाओ जाओ यार खाओ अभी, आपका भाई भी बच्चा पार्टी अपने रोल समोसे वगैरह फोड़ रहे हैं, जो मेहमान आए हैं हमारे, और आपका भाई भी रोल फोड़ रहे हैं। जो आप लोग रेशा वगैरह देख सकते हैं चिकन का, और वेजिटेबल मिक्स है रोल। और उम्मीद है कि मेरा आज का जो व्लॉग है वो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें, आपका भाई इस तरह आपके लिए कॉन्टेंट बनाता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।